राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लड़ाई अब घर के बाहर आ चुकी है। गहलोत शुरू से ही पायलट को ठिकाने लगाने पर तुले हुए हैं। गांधी परिवार से नजदीकी दिखाकर गहलोत ने पहले तो सीएम पद की कुर्सी हासिल कर ली और पायलट को मजबूरन डिप्टी सीएम बनना पड़ा। इसके बाद से दोनों में मतभेद बरकरार है। अब गहलोत चाहते हैं कि पायलट राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं रहे, लिहाजा उन्होंने आलाकमान के सामने इस बात को तर्कों के साथ रख दिया है। सीएम अशोक गहलोत राज्य में अपने पसंद का अध्यक्ष चाहते हैं। अब मामला सामने आने के बाद सचिन पायलट ने भी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने साफ कहा है कि मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर रहूं या ना रहूं, ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है, ना कि अशोक गहलोत को। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए लड़ाई की है, उन्हीं को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर हमें रहना है या नहीं, इसे सोनिया गांधी तय करेंगी। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का मैंने बीड़ा उठाया है। जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत की और पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उनका मान सम्मान रखना और उनके हितों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। वहीं पायलट ने एक तस्वीर के जरिए भी गहलोत को आगाह करने की कोशिश की है। दरअसल पायलट ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें वो साफा बांधे गाड़ी के स्टेयरिंग थामे लोगों से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इसे पायलट की ओर से पार्टी और मुख्यमंत्री को ये साफ संदेश माना जा रहा है कि वो ड्राइविंग सीट पर ही रहना चाहते हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों में से सोनिया गांधी के सामने किसकी चलती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई बाहर आने से बीजेपी का खेमा खुश जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।